सत्ताधारी दलों के लिए फंडिंग का नया तरीका बनते जा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने चिंता जाहिर की है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक नया इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बैंक नोट होते हैं जी। वो कैश 500 रुपए तक का अब तो रह गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने एक और तरह का नोट ही इशू किया है, जो कि बेरर बॉन्ड है, जैसे नोट होता है, जो कि 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक की डिनोमिनेशन में इशू होता है। तो सिर्फ स्टेट बैंक इशू करता है, स्टेट बैंक से जाके कोई जना भी खरीद सकता है, वो चेक से या बैंक ड्राफ्ट से या बैंक ट्रांसफर से। उसका KYC, उसका नाम तो वहाँ दर्ज हो जाता है कि इस आदमी ने ये खरीदा, ये बॉन्ड खरीदा इतने का, और बॉन्ड पर एक नंबर भी होता है, वो नंबर भी दर्ज हो जाता है कि ये नंबर का बॉन्ड खरीदा गया जी। उसके बाद वो बॉन्ड वो किसी को भी दे सकता है, क्योंकि कैश की तरह है, उस पर किसी का नाम तो होता नहीं, बॉन्ड के ऊपर नाम नहीं होता, ना खरीदने वाले का ना जिसको दिया जाएगा उसका। हाँ, किसी तो का इस तरह से नोट है जिस नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नोट की तरह है, 1 करोड़ रुपए का नोट है। और फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पार्टी को नेशनल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में 1% वोट से ज्यादा मिला है जी, जी, उनमें से किसी भी पार्टी को आप वो बॉन्ड दे सकते हैं और वो लोग उसको एनकैश कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब वो लोग एनकैश करेंगे तो स्टेट बैंक के पास ये तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस पार्टी ने, फला पार्टी ने इस नंबर का बॉन्ड एनकैश किया जी। लेकिन उस पार्टी को, अब इन्होंने कई सारे कानून में संशोधन किए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उसको अनोनिमस बनाने के लिए, यानी कि उसको गुप्त रखने के लिए। पहला तो ये अमेंडमेंट किया कि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पूरा डिस्क्लोजर देना होता है कि किन लोगों ने उनको चंदे दिए 20,000 से ऊपर के, पेटी कैश को छोड़कर। इसमें एक एक्सेप्शन कर दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको नहीं बताना पड़ेगा। अब बस इतना लिखेंगे कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा मिला, किसने दिया कहने की जरूरत। हाँ, वो जरूरत नहीं है। उसी तरह से कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें लिखना होता है कि भाई उसने अपने पैसे कहाँ से कहाँ खर्च किए, कहाँ से आए कहाँ खर्च किए। तो उसमें नॉर्मली ये लिखना होता है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा दिया तो हमने इतना चंदा इस पार्टी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में उन्होंने लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि आपने ये बॉन्ड किसको दिया। जी जी जी। तो इसलिए उसको हर तरह से अनोनिमस बना दिया कि बस स्टेट बैंक के पास ये जरूर इंफॉर्मेशन होगी कि भाई ये बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने डिपॉजिट किया जी। लेकिन स्टेट बैंक के अलावा किसी और को नहीं पता लगेगा। उसके स्कीम में ये लिखा था कि कोई अगर एजेंसी लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या कोई मनी लॉन्डरिंग या कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, वो लोग स्टेट बैंक से पूछ सकते हैं, और कोई कोर्ट को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो भी पूछ सकते हैं, पर उसके अलावा किसी को नहीं ये बताया जाएगा कि ये बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया। और जी, इस तरह से पार्टीज के फंडिंग का ये जो नया इंस्ट्रूमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ये अब पार्टियों के फंडिंग का, खासकर रूलिंग पार्टीज के फंडिंग का, मेनली तो रूलिंग पार्टी के फंडिंग का मेन जरिया हो गया। मानना है, मेरा ये मानना है कि ये इसलिए किया गया जिससे कि कंपनियां सरकार को घूस दे सकें। जी, जिन कंपनियों को कोई ठेके मिल रहे हैं, कोई और फायदे मिल रहे हैं, कोई पॉलिसी उनके लिए बनाई जा रही है और वो घूस देना चाहते हैं सरकार को, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार चला रही है,
उसको घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकें, और क्योंकि वो गुप्त रखा जाएगा बाकी सब एजेंसी से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है, बाकी सब लोगों से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है, इस वजह से एक तरह का कानूनी रास्ता खोल दिया गया घूस देने का। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।